हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नो स्पियर। दिस इज शेषाद्री कुलकर्णी। महाराजा सर किशन प्रसाद बहादुर यामिन उस सल्तनत, यानी कि राइट हैंड ऑफ द रियाल्म, जो कि 22 साल प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम निज़ाम के राइट हैंड और निज़ाम के पावरफुल हिंदू प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे। किशन प्रसाद का जन्म हुआ था 1864 में। ये एक सूर्यवंशी मेहरा खत्री ओरिजिन को बिलोंग करते थे। अगर इनकी एंसिस्ट्री को हम देखें तो ये एक नोबल फैमिली के लेगेसी के हिस्सा है। दोस्तों, किशन प्रसाद अकबर के नवरत्नों में से एक तोडरमल जी के वंशज है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि किशन प्रसाद तोडरमल जी के पांचवें पीढ़ी को बिलोंग करते हैं। इनके एंसिस्टर रायमूल चंद औरंगजेब के दौर में उस वक्त के निज़ाम उल मुल्क यानी कि वाइसरॉय ऑफ हैदराबाद असफ जाह वन के साथ दिल्ली से हैदराबाद आए थे। किशन प्रसाद जी के दादाजी नरेंद्र प्रसाद छठे निज़ाम महबूब अली खान के दौर में पेशकर और दीवान दोनों थे। पहले वे पेशकर थे और बाद में दीवान बने। दोस्तों, यहाँ पे पेशकर यानी कि डेप्यूटी मिनिस्टर और दीवान या वजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर। किशन प्रसाद जी सलार जंग वन के पेटर्न में बड़े हुए। ये दूसरे प्रिंसेस के साथ वेस्टर्न स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ पे इन्हें अकाउंटेंसी, मेडिसिन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मार्शल आर्ट्स ये सब चीज़ें सिखाया जाता था। इन सब सब्जेक्ट्स में संस्कृत और अकाउंटेंसी प्राइमली पढ़ते थे। संस्कृत क्योंकि ये हिंदू फेथ को बिलोंग करते थे और अकाउंटेंसी ये इनका फैमिली लेगेसी था। संस्कृत के साथ साथ ये पर्शियन, उर्दू, हिंदी और तेलुगु भाषा में भी माहिर थे। दोस्तों, ये सातवें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के चाइल्डहुड फ्रेंड थे। वे कहते थे, आई वॉज बॉर्न 2 ईयर्स बिफोर हिज हाइनेस, यानी कि हिज हाइनेस से मैं 2 साल पहले पैदा हुआ था। 1892 में ये पेशकार बनते हैं। फिर 9 साल बाद 1901 में निज़ाम महबूब अली खान इन्हें हैदराबाद के दीवान के रूप में अपॉइंट करते हैं और इनके टेन्योर में प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होने लगे, जैसे कि स्टेट का रेवेन्यू बढ़ने लगा। और 1908 में जब मूसी फ्लड आया था, तब ग्रेट मूसी फ्लड के विक्टिम्स को इन्होंने पर्सनली हेल्प किया। कहा जाता है अपने सैलरी में से, यानी कि पर्सनल सैलरी में से ये खुद उन विक्टिम्स को उनके बेसिक ज़रूरतों के लिए डोनेट करते थे। इसके बाद जब मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के सातवें निज़ाम बने, तब उस्मान अली खान के साथ इनका कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस के लिए ये अपने दीवान पोस्ट से 1912 में रिज़ाइन कर देते हैं। फिर दोस्तों, करीब करीब 14 साल बाद मीर उस्मान अली खान को किशन प्रसाद जी का इम्पोर्टेंस पता चल जाता है और इन द ईयर 1926 ये उन्हें फिर से एज अ दीवान ऑफ हैदराबाद रीअपॉइंट करते हैं। एज अ दीवान इनके फर्स्ट टेन्योर में हैदराबाद स्टेट का रेवेन्यू 4 गुना बढ़ गया था और हैदराबाद प्रॉस्परसली ग्रो कर रहा था। बहुत सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसका क्रेडिट उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर एक ब्रिटेन केशियन वॉकर को देते हैं, लेकिन हैदराबादी लोग और उस वक्त जिन्होंने किशन प्रसाद जी का एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, वे सभी इसका क्रेडिट किशन प्रसाद जी को देते हैं। दोस्तों, सेकेंड टेन्योर में इनका क्लैश कंटिन्यूसली केशियन वॉकर के साथ चलते रहता था, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट्स हो, इन सभी में दोनों का अनबन होते रहता था। केशियन वॉकर लोकलाइट्स को इग्नोर करके हर एक स्पेशल पोस्ट्स पर ब्रिटिशर्स को रिक्रूट करना चाहता था, अपॉइंट करना चाहता था। इस डिसीजन को देखकर सभी लोकलाइट्स हैदराबाद के लोग चिंतित रह गए। ऐसे कठिन समय पर किशन प्रसाद जी लोकलाइट्स इंडियंस हैदराबादीज के लिए
रे ऑफ होप बनकर मुल्की रेगुलेशंस लाते हैं। द फेमस मुल्की रेगुलेशंस। अकॉर्डिंग टू मुल्की रेगुलेशंस, आउटसाइडर को अपॉइंट करने के बजाय अगर कोई काबिल लोकलाइट उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो उसे अपॉइंट किया जाएगा। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में लोकलाइट्स बने रहेंगे। एक तरह से ये मुल्की रेगुलेशंस किशन प्रसाद जी का मास्टर स्ट्रोक था। दोस्तों, किशन प्रसाद जी को पोएट्री, पेंटिंग और म्यूज़िक का बहुत शौक था। ये खुद एक काबिल पोएट थे और अपने पोएम्स और शायरीज ये शाद पेन नेम से लिखते थे। शाद यानी कि पर्शियन में हैप्पीनेस या फिर अ हैप्पी मैन। उस वक्त ऐसा भी कह सकते हैं कि निज़ाम के बाद अगर कोई पावरफुल था स्टेट में तो वो महाराजा किशन प्रसाद थे। उनके इन्हीं काबिलियत के वजह से उन्हें 2 बार प्रेस्टीजियस ब्रिटिश नाइटहुड अवार्ड्स मिले हैं। हाईएस्ट ऑर्डर्स द नाइट कमांडर और नाइट ग्रैंड कमांडर, जिसे KCIE और GCIE भी कहा जाता है। और इस इन्फॉर्मेशन के बारे में उस वक्त के ब्रिटिश गैजेट में भी छापा गया था। किशन प्रसाद जी के 7 बीवियाँ थी, जिनमें से 3 हिंदू थे और 4 मुस्लिम थे। उनके मुस्लिम बीवियों से उन्हें 6 बेटे हुए और उनके हिंदू बीवियों से उन्हें 9 बेटे हुए। ओवरऑल ही हैड 15 sons। उनके बच्चे उनके मदर्स के रिलीजन को फॉलो करते थे। उनके बीवियों को उनका रिलीजन का फ्रीडम किशन प्रसाद जी ने दिया था। दोस्तों, इन सभी बीवियों में से गौजिया बेगम इनकी सबसे बिलोवेड वाइफ थी। किशन प्रसाद सभी आर्टिस्ट्स, फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स, एजुकेशनिस्ट्स को पेटर्न करते थे। फेमस उर्दू पोएट फमी बदयूनी को हैदराबाद को बुलाकर उन्हें हेडमास्टर के पोस्ट को अपॉइंट किया था। साथ ही साथ फेमस राइटर और फिलोसोफर अलामा इकबाल को भी ये हैदराबाद को इनवाइट किए थे और इनके इनविटेशन पर वे हैदराबाद को विजिट भी कर चुके हैं। सकलमता संप्रदाय के महान संत श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज 1927 में हैदराबाद के दौरे पर थे। उस वक्त निज़ाम ने उनके निमंत्रण का जिम्मा सर किशन प्रसाद को सौंपा था और सर किशन प्रसाद ने बड़े भक्ति से सदर कोतवाल वेंकट रामा रेड्डी के जरिए निज़ाम के ओर से महाराज जी को निमंत्रित करते हैं। इसी तरह से पोएट, म्यूजिशियन, फिलोसोफर से लेकर संत महात्माओं तक किशन प्रसाद जी सभी का आदर करते थे। किशन प्रसाद जी इमाम हुसैन के बहुत बड़े भक्त थे। इन्हें हिंदू अजादार भी कहा जाता था, यानी कि हिंदू मॉर्नर और डिवोटी। इन्हीं के पर्सनल इंटरेस्ट के वजह से आज नाल मुबारक एक सेक्रेट सिंबल हैदराबाद के मुहर्रम सेरेमनीज में हॉलमार्क के रूप में एमर्ज हुआ। दोस्तों, इन्हें सब लोग अ पावरफुल नोबल हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद कहते थे। इनके एबिलिटीज, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स, इनका इंटेलिजेंसी और डिसीजन मेकिंग इन्हें एक यूनिक पावरफुल वजीर के रैंक में टॉप रैंक पर खड़ा करती है और इन्हें निज़ामी हुकूमत के सबसे वफादार और ताकतवर वजीर भी बनाती है। दोस्तों, बहुत सालों के लिए ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। दोस्तों, 22 साल के सक्सेसफुल टेन्यूर के बाद 13 मई 1946 को इनका देहांत होता है। उस दिन हैदराबाद स्टेट अपने प्यारे वजीर को हमेशा के लिए खो चुकी थी। बस उनके वर्क्स, हैदराबाद का डेवलपमेंट और उनका सॉफ्ट एंड हेल्पिंग नेचर उन्हें इतिहास में जिंदा रखता है। उनके मृत्यु के बाद निज़ाम मीर उस्मान अली खान कहते हैं, सोसाइटी हैज़ विटनेस्ड द डिपार्चर ऑफ द लास्ट वेस्टीज ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि समाज ने मुगल साम्राज्य के अंतिम अवशेष को विदा होते देखा है।
तो दोस्तों ये थे हमारे महाराजा किशन प्रसाद बहादुर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।